गुलशन हदीद में शफीली बॉटरीज और जियाउद्दीन अस्पताल का ज्वाइंट वेंचर इसी सिलसिले की कड़ी है। चेयरमैन अल शरीफ फाउंडेशन पाकिस्तान ने मजीद कहा है कि अल शरीफ फाउंडेशन पाकिस्तान पहले से भी शफीली बॉटरीज के साथ मिलकर डिस्काउंट रेट पर टेस्ट की फराहमी को यकीनी बना रहा था। अब जियाउद्दीन अस्पताल का इस मिशन में हमारे साथ शामिल होना इस मिशन को मजीद आगे बढ़ाएगा। उन्होंने कहा है कि अल शरीफ फाउंडेशन पाकिस्तान ने हमेशा आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम किया है। मेडिकल और सेहत के शोबे में हमने हमेशा आवाम के लिए सस्ती और मयारी सहूलियात फराहम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की है। हम चाहते हैं कि गुलशन हदीद की आवाम को एक ही छत के नीचे मयारी और सस्ती लेबोरेटरीज की सहूलियात दस्तियाब हों और हमारी कोशिश है कि आवाम को तमाम किस्म के टेस्ट की सहूलियात मुनासिब फीस के एवज मुयस्सर हों। इन ख्यालात का इजहार अल शरीफ फाउंडेशन पाकिस्तान के चेयरमैन परवेज इकबाल अराई ने गुलशन हदीद में अल शरीफ फाउंडेशन पाकिस्तान और जियाउद्दीन अस्पताल के तआवुन से शफी लेबोरेटरी के इफ्तिताह के मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए किया। अल शरीफ फाउंडेशन पाकिस्तान पहले से भी शफी लेबोरेटरी के साथ मिलकर आवाम के लिए मुनासिब फीस के एवज हर किस्म के टेस्ट की फराहमी के लिए अपनी खिदमात फराहम कर रही थी, लेकिन अब जियाउद्दीन अस्पताल का भी इस मिशन में हमारे साथ होना इलाके के आवाम के लिए खुशखबरी है। शफी लेबोरेटरीज की इफ्तिताही तकरीब में शफी लेबोरेटरीज के डायरेक्टर जुनेद शफी, जियाउद्दीन अस्पताल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर उस्मान, मैनेजर समीउल्लाह खान, सुजाद शेख, वेलफेयर एसोसिएशन फाउंडेशन के बानी सदरुद्दीन शेख, अल शरीफ फाउंडेशन पाकिस्तान के एग्जीक्यूटिव मेंबर रियाज अहमद शेख, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर मलीर मुफ्ती रहीम शाह, डॉक्टर शाहिद जफर, डॉक्टर शाहिद अफरीदी, डॉक्टर अर्जुन दास, डॉक्टर मरीम इम्तियाज, डॉक्टर अनीला और दीगर अफराद ने शिरकत की और अपने ख्यालात का इजहार किया।